टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 तारीख से 3 T20 मैचेस की सीरीज की शुरुआत करनी है और पहला T20 मैच ही मोहाली में खेला जाएगा, जिसको लेकर भारतीय टीम ने आज पहला अभ्यास सेशन रखा था। और आपको बता दें कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने स्पेशल तैयारी की, गेंदबाजों ने भी स्पेशल तैयारी की है और फोटोग्राफ्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो आए थे अभ्यास करने के लिए, उसके बाद लगातार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ नजर आए थे आपके KL राहुल। इन दोनों ने खूब पसीने बहाए नेट्स पर और इसके अलावा दो और पेयर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, दैट इज सूर्य कुमार यादव एंड किंग कोहली विराट कोहली। लेकिन सबसे स्पेशल क्या रही इस अभ्यास सेशन में, तो आपको बताएं कि भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार लंबे लंबे बड़े बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की और ऐसे में सवाल यही है कि क्या उसी टेम्पलेट से फिर से भारतीय टीम तैयारी कर रही है, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और हमें पता है कि यह इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलकर यानी कि इसी अटैकिंग टेम्पलेट को अपनाकर हम जो है वो एशिया कप में हर मैच में एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचे हैं। तो क्या एक बार फिर से टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो आपको एंटरटेन करने वाले हैं, लेकिन इस बार मैच जिताकर एंटरटेन करेंगे। गेंदबाजों की बात करें तो हर्षल पटेल जो कि इंजरी के बाद आए हैं लेकिन आज उन्होंने फुल फ्लेश्ड गेंदबाजी नहीं की, छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन यॉर्कर्स कर रहे थे, स्लोअर वन गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने लगातार बॉलिंग की है आपके विराट कोहली को और सूर्य कुमार यादव को, जबकि जसप्रीत बुमराह भी आज अभ्यास में देखे थे। इसके अलावा देखें तो रविचंद्रन अश्विन भी थे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने भी जमकर अभ्यास किया। आज टीम के साथ आपके उमेश यादव भी जुड़ गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पहला अभ्यास सत्र था टीम इंडिया का वो एक अच्छा सत्र रहा और यहां से भारतीय टीम, यहां से जो टीम इंडिया है हमारी, वो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। मल्टीनेशन टूर्नामेंट में बायलेटरल तो हम जीतते रहते हैं लेकिन आने वाले समय में अगर यहां से हमारे खिलाड़ियों ने ये ठान लिया कि भाई मल्टीनेशन टूर्नामेंट में भी हमें कुछ बेहतर करना है तो फिर कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम बैक कर रहे हैं अपनी टीम को और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें टीम इंडिया का जो कैंपेन होगा वो शानदार होगा। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।